आप लोगों को खाना कैसा लगा? खाने के बारे में कुछ भाई, खाना बहुत सोना है। बिल्कुल बिल्कुल घर का। लाडी बाई हुनी है, लाडी कांगड़ हुनी, उन्होंने माता जी उन्होंने वो जानते थे, उन्होंने स्टोरी की, तो उन्होंने सानू आवाज फोन किया भी बाबा इतने जाके आए, वो बड़े भाई ने अपने, मैं तो सुखमणी इतने आए, माता जी उन्होंने मिले, सानू ए लगे ही नहीं वैसे इन्होंने पहली बार मिले, कदम सानू ये लगे भी असी मतलब वी हैव अ बॉन्ड। तो उस तो बाद फिर इन्ना लगातार आने, जो रोटी तो नहीं भी भुख होंगी ना, जो घर दिन मिस करते हैं, घरद की याद आती है, तो इन्हों को आके इन्हों को मोटे थपा के लै जाइए, रोटी खानी है तो फिर वो ए लगता भी जो ज्यादा घर के मिस करते हैं तो रोटी खाना चाहिए, मतलब ऐ लगता भी मम्मी की रसोई च बैठे तो माता रोटियां दे रही है, तो जमा बस वो वाला माहौल है। आंटी आप यहाँ पे कब से हो? खाना बनाने ले। हाँ जी, आप कब से यहाँ पे सबको खाना खिला रहे हो? 10 महीने हो गए। 10 महीने। और आप क्या क्या बनाते हो, क्या क्या खिलाते हो? साग मक्की की रोटी। हाँ जी। फरमा करेला गर्मिया की सब्जी जो। हाँ। ते दाल चूल्हे की बनी हारे की सिंपल रोटी, मक्की की रोटी ते दाल, रोज एक सब्जी सुखी बदल के लेके आने, दाल भी बदल के लेके आने, करेला। और सब घर का, घर की तरह का चूल्हे का बने, घर का मैं आप बनाऊंगा, चूल्हे भी बनाते हो सब? तो ये सब लोग जो आपके पास बच्चे खाना खाने आते हैं, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग और भी, वो आपको कैसा लगता है इन सबसे मिलके? अपने बच्चों की तरह सारे बहुत प्यार करते हैं सानू, जो भी खाना खाने आते हैं बच्चे। और सब आप सबको आप अपने बच्चों की तरह प्यार से खाना खिलाते हो, घर की तरह? जैसा कि भाई ने बोला कि यहाँ आके लगता है कि हम अपने मम्मी के पास घर में किचन में बैठे हैं, अपने बच्चे साथ खा रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो हमें आज आप क्या खिलाओगे? मक्की की रोटी, साग, परमा करेला, दाल। ठीक है, तो लगा दो आंटी फिर हमारे लिए एक प्लेट।